नमस्कार। सो यू नो, फिर से कई बार लोग पूछते रहते हैं, सर आपकी बातें समझ में आ गई हमारी, और अभी भी बस कॉल आए, लास्ट ईयर के लास्ट में आते थे, कई लोगों ने मिलता हुआ सरकारी कॉलेज छोड़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लिया। तो लेट मी अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन यू वन थिंग। आई थिंक मैंने इसके बारे में प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया। देखिए, MBBS एक यूनिक कोर्स है इंडिया में, हम हमेशा मानते हैं, फ्रॉम मल्टीपल परस्पेक्टिव्स, सिक्योरिटी ऑफ करियर, लाइफ एज ए MBBS और MD ग्रेजुएट, सोशल सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट्स, मनी। बट एक सबसे बड़ी चीज़ जो MBBS के दौरान डिफरेंट है, एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली कोर्स जहाँ सरकारी और प्राइवेट की फीस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, मोस्टली टॉप कॉमन टेन कोर्सेज इंडिया में क्या हैं, 12th के बाद आप MBBS करते हैं, BDS कर लेंगे अगर आप मेडिकल में रहते हैं, मेडिकल में और बहुत सारे कोर्स हैं, नॉर्मल आप एक ग्रेजुएशन करते हैं, आप BTech करते हैं, BTech की स्ट्रीम्स हैं, इसके अलावा जो कॉमन चीज़ें हैं, आप लॉ कर लेते हैं 5 साल वाला, BBA, BCA, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, NID, यही है करेक्ट, BBA, BCOM, BCA, फिर ग्रेजुएशन है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, BGMC, यही तो है ना 10-12-15 कॉमन कोर्स। कोई भी उठा लीजिए आप, कोई भी, लेट्स से डिज़ाइनिंग उठाते हैं, NIFT विच इज़ टेक्निकली ए सरकारी ऑल्सो, फीस इज 4 लाख है ईयर। वही जो भी एक प्राइवेट डिज़ाइनिंग कॉलेजेस हैं अराउंड दिल्ली, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन हो गया, या AAD हो गया, या पर्ल हो गया, द फीस रेंज इज 3 लाख टू 6 लाख। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फैशन डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनिंग, द कॉस्ट इज़ अबाउट 3 लाख टू 5 लाख ईयर। BTech पे आ जाइए आप, चाहे वो IITs हों, चाहे प्राइवेट BTech कॉलेजेस हों, चाहे BITS हो, चाहे VIIT हो, चाहे थापर हो, सारा खेल 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए साल के बीच में है, करेक्ट। आप BBA उठा लीजिए, आप BCOM उठा लीजिए, आप लॉ उठा लीजिए, बट MBBS इज़ द ओनली कोर्स जहाँ सरकारी फीस 1 लाख से कम और प्राइवेट फीस मिनिमम 12 लाख से ऊपर। इतना फ़र्क है ना, 12 लाख से तो स्टार्ट हो रही है प्राइवेट। तो उसकी वजह से ही देखिए ये है कि सारी की सारी कट ऑफ जो है वो सरकारी कॉलेज से ऊपर होती है। दैट डजेंट मीन कि सरकारी कॉलेजेस आर बेस्ट और दे आर ग्रेट एंड दैट्स वाई द टॉपर्स आर चूजिंग देम। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, पीपल गो फॉर सरकारी MBBS कॉलेजेस ओनली बिकॉज ऑफ द फी फैक्टर, बिकॉज द फी डिफरेंस इज ह्यूज। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, या मेरी बातें सुन के जो लोगों को समझ में आया कि आजकल दो ही बच्चे होते हैं, कई पेरेंट्स हैं जो अच्छा कमाते हैं, लास्ट जनरेशन से बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और उनके लिए प्राइवेट MBBS की फ़ीस देना भी इट इज़ लाइक पीनट्स उन फैमिलीज़ के लिए। डेफिनेटली यू नो, इफ यू टॉक अबाउट कस्तूरबा मेडिकल मणिपाल, कस्तूरबा मैंगलोर, JSS मैसूर, JLN बेलागावी, और फिर से चूंकि मैं नॉर्थ इंडियन के हिसाब से बोलता हूँ तो मैं अ टिपिकल साउथ इंडिया या केरल का कॉलेज नहीं बताऊँगा, MGM जयपुर अगर आप राजस्थान के हो, दयानंद मेडिकल लुधियाना, आई विल नॉट से कि ओके दैट विल बी बेटर देन MMC, बट चलो पहले उन कॉलेज की बात करते हैं विच आर बेटर देन MMC एंड लेडी हार्डिंग इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, अमृता कोची, अपना हिमालयन जॉली ग्रांट, श्री गुरु रामराय देहरादून, जैसा मैंने MGM जयपुर, अरबिंदो इंदौर, RD उज्जैन, महाराष्ट्र में आ जाइए तो इवन MGM पनवेल, शानदार कॉलेज, भारत विद्यापीठ पुणे फॉर दैट मैटर, दीज ऑल आर ग्रेट कॉलेजेस, ग्रेट राइट, बेटर देन इंडियाज नंबर 10 गवर्नमेंट कॉलेज, लेट मी टेल यू। नाउ हाउ डू डिफाइन इट, फॉर मी वेरी सिंपल ना, एक मेडिकल कॉलेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जब मेरा बच्चा उस कॉलेज में जाता है, पहली बात क्या उस कॉलेज में एक नीट एंड क्लीन क्लासरूम है, कंफर्टेबल क्लासरूम हो, सिटिंग वो हो, अप सिटिंग सो दैट सबको वाइट बोर्ड या बोर्ड नज़र आए जो पीछे बैठे हैं, उसके बाद जो टीचर आपको पढ़ाने आ रहे हैं वो पहली बात तो आए, रेगुलरली आए, और वो खुद क्वालिफाइड हों और एक्सपीरियंसड हो, दैट बिकम्स अ गुड क्लासरूम। आपका पीयर ग्रुप जो दूसरे बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं वो भी सिंसियर, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट हो, और वहीं पर शायद सरकारी कॉलेजों को फ़ायदा होता है कि सारे बच्चे 600 प्लस होते हैं, तो एक पीयर प्रेशर कह लो या पीयर कंपैरिजन इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड गुड, एंड दैट इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट बेनिफिट राइट नाउ इन गवर्नमेंट कॉलेजेस,
कि क्यों लोग NRI सीट लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, बिकॉज यू गेट अ ग्रेट पीयर ग्रुप, बट व्हेन इट कम्स टू बेसिक इंफ्रा ऑफ अ क्लासरूम दैट मे नॉट बी ग्रेट बिकॉज द फैकल्टी आर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. फ्यू आर वेरी सिंसियर बट फ्यू आर टिपिकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सो दे डू नॉट इवन कम टू कॉलेज और द हॉस्पिटल. सो क्लास में टीचर फैकल्टी आते ही नहीं है. मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ. तो मैम से लेडी हार्डिंग, SMS जयपुर, ग्रांट मुंबई, KGKMU लखनऊ, दे ऑल आर ग्रेट कॉलेजेस बट द फैकल्टी इज़ नॉट कमिंग टू कॉलेज और द इंफ्रा इज़ वेरी वेरी पुअर. मैंने आपको GMC अमृतसर दिखाया था, बिल्कुल टूटे फूटे क्लासरूम्स हैं. लेकिन हाँ, बच्चे चूँकि छारे 600 प्लस होते हैं तो माहौल बड़ा ही पढ़ाई वाला होता है. कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, इक्विपमेंट, CT स्कैन मशीन्स, रेडियोलॉजी की जो मशीन्स होती हैं, एनाटॉमी में, फार्माकोलॉजी लैब्स, बायोकेमिस्ट्री लैब्स, उस लैब्स के इक्विपमेंट का अपडेशन, दे आर जनरली फार बेटर इन प्राइवेट कॉलेजेस, गुड प्राइवेट कॉलेजेस देन सरकारी कॉलेजेस. बट अनदर फैक्टर इज पेशेंट फ्लो. आई विल नॉट से, कई लोग कहते हैं सर MBBS में तो मैटर नहीं करता, PG मैटर करता. मैं कहता हूँ नहीं, MBBS ही मैटर करता. ये वही बोलते हैं जो खुद MBBS घटिया कॉलेज से करी है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए. नहीं तो अगर आपके पास अच्छा पेशेंट फ्लो, आपकी थर्ड ईयर में जब क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट होती हैं, जब पेशेंट्स होंगे तभी तो आप देखोगे ना और आप सीखोगे. टॉकिंग अबाउट फ्रॉम एन MBBS स्टूडेंट परस्पेक्टिव, इंटर्नशिप का एक साल आपको तभी तो मौका मिलेगा ना जब आपके कॉलेज के हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे हों. तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि PG तक वेट कीजिए, MBBS में भी पेशेंट फ्लो होना चाहिए. बेसिक इन्फ्रा मैंने आपको बता दिया, दूसरे बच्चों का पीयर ग्रुप, इट हेल्प्स. कितना पुराना आपका कॉलेज होता है, किस वजह से? एलुमनाई. देखिए पुराने कॉलेज में कोई ये नहीं होता कि द कॉलेज विल बी गुड, क्योंकि कुछ महाघटिया कॉलेज भी 30-30 साल पुराने हैं, राइट. लेकिन कभी कभार क्या होता है, देखिए दुनिया में ये चलता है, इसको बोलते हैं एलुमनाई नेटवर्क. तो जब आप MBBS MD कर लेंगे, आज से 10 साल बाद यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज और लुकिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी, तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस हॉस्पिटल में आप अप्लाई कर रहे हो, उस हॉस्पिटल का डीन खुद जैसे GSS मैसूर का पढ़े हुए हैं आज से 30 साल पहले. और जब एक रिज्यूमे आता है, जो रिज्यूमे वाला बच्चा GSS मैसूर का हो और एनी कॉलेज, तो एक ना बायस आ जाती है अंदर से. हमारे में भी आते हैं, जैसे मैंने कहा कि जब मैंने MBA करी थी IIM बैंगलोर से, जब मैं जॉब करता था और हमारे सामने रिज्यूमे आता था IIM बैंगलोर वाले का, तो आई विल प्रेफर इट ओवर IIM अहमदाबाद गए. समझे बात को? तो वो एक प्रेफरेंस चलती है, वो एक एलुमनाई नेटवर्क चलते हैं. दैट इज़ अ ओनली बेनिफिट ऑफ ए ओल्ड कॉलेज. देखिए 5-7 साल पुराना तो इसलिए होना चाहिए कि मैंने कहा ना, फर्स्ट बैच पास हो चुका हो, सारे फैकल्टीज उनके सेटल हो चुके हों. लेकिन हाँ, 20 साल पुराना और 50 साल पुराने में तो ये फ़र्क है. जैसे मैंने वो GMC अगेन मुझे याद आ रहा है अमृतसर का, तो इतना पुराना है कॉलेज, 1940s का बना हुआ, कि वहाँ पर इतने डॉक्टर्स पास हो चुके हैं कि अमेरिका में एक अलग से एसोसिएशन है सिर्फ GMC अमृतसर के डॉक्टर्स की, जो अमेरिका में सेटल्ड है. वो इतने सारे हो चुके हैं ना. तो फिर नया जब वहाँ पर जाता है GMC अमृतसर से पढ़ के अमेरिका, तो उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, काफ़ी कम्फर्ट मिलता है, काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं टू सेटल इट आउट एंड टू हैव अ करियर. तो दैट इज़ एडवांटेज व्हेन द कॉलेज इज स्लाइटली ओल्डर ऑफ एलुमनाई नेटवर्क, नॉट ऑफ एनीथिंग एल्स. साफ सुथरा कैंपस हो, अच्छा लगता है आँखों को, दो शुड नॉट बी अ ग्रेट डील. वही मैंने कहा, साफ सुथरा हॉस्टल हो, नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरे वॉशरूम्स हो, पर्सनल वॉशरूम्स हो, दैट इज़ मोर ऑफ ए हाइजीन फैक्टर. आई ऑलवेज से दैट शुड नॉट बी अ क्रिटिकल फैक्टर, बट मैनी स्टूडेंट्स टेक इट एज अ सॉलिड फैक्टर कि नहीं सर, पर्सनल वॉशरूम चाहिए ही चाहिए. ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है. और मैं तो हमेशा कहता हूँ, लैंग्वेज एंड फूड हैज़ टू बी कंसिडर्ड. तो हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं, 5 दिन मन का खाना नहीं मिलता, हालत टाइट हो जाती है. 4.5 साल आप बिना मन का खाना खाए नहीं रह सकते, ट्रस्ट मी. वो तमिलनाडु और केरला के कॉलेजेस में जो रोटी भी बनती है, जो भिंडी भी बनती है, बहुत डिफरेंट टेस्ट की होती है. पूरे हवा में नॉन वेज की खुशबू होती है. अभी मेरे जानकार रामेश्वरम हो गए हैं, कहते हैं रामेश्वरम मंदिर से ही सिर्फ 1/2 किलोमीटर दूर चले जाइए तो आपको हवा में फील होता है कि नॉन वेज और मच्छी 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 है. पूरे केरला में आपको मच्छी की गंध आती है. तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, आप वहाँ रह ही नहीं पाओगे. स्मेल की बात कर रहा हूँ मैं. खाने पीने में दिक्कत है, किसी को लैंग्वेज समझ में नहीं आती. मेरा ये जानकार जिस होटल में ठहरे थे, एक्चुअली होम स्टे था, कहते ना उन्हें हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, सिर्फ मलयालम आती थी. एंड दैट व्हाट हैपन्स विद मैनी तमिलनाडु एंड केरल पीपल, दे डोंट नो हिंदी और इंग्लिश एट ऑल. सो उनके साथ आप डील नहीं कर सकते,
स्पेशली इफ़ यू गो आउटसाइड चेन्नई और त्रिवेंद्रम, तो बहुत ध्यान रखिए ऑफ दीज टू फैक्टर्स ऑल्सो। और इन सब के मद्देनज़र हमको सीट लेनी है और अच्छे कॉलेज में जाना है ताकि आप पढ़ाई करें, और अब नेक्स्ट के दुनिया में तो अच्छे कॉलेज में जाना बहुत ज़रूरी भी हो गया है। ओके, और वही अच्छे कॉलेज में आपको पहुंचना है, और जैसा मैंने बुराया पुराने वीडियो में, बैकअप रखिए अपने लिए हमेशा, प्लान बी रखिए, प्लान सी रखिए अगर नीट के एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो। एंड यू कैन हायर अस एज योर प्रोफेशनल सपोर्ट फॉर योर जर्नी ऑफ MBBS इंडिया। एंड यू नो 9643362320 पे कॉल करना है, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मुझसे बात करनी है। 2500 रुपये फ़ोन काउंसलिंग के, 5000 रुपये मिलने के, और ये अमाउंट एडजस्ट हो जाता है जब हम हमारा पूरा पैकेज लेते हैं। हमारे पूरे पैकेज का लॉजिक क्या है वो भी का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, लिंक है, ज़रूर देखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। वंस अगेन आई रिपीट 9643362320, डेढ़ महीना बचा है, गिव योर बेस्ट, नीट की तैयारी कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।